Hey guys, welcome back to my channel. तो कुछ लोगों का एक क्वेश्चन था कि कैनवस को प्रिपेयर किस तरीके से करें, उसको स्ट्रेच कैसे करें. वैसे मैंने बहुत बार बता चुका हूँ लेकिन डिटेल में थोड़ा सा नहीं बताया था, तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कैनवस को प्रिपेयर कैसे करते हैं. मतलब उस पर जो प्राइमर है, जो जैसो है, उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं और उसको स्ट्रेच किस तरीके से करते हैं, इस बारे में होगा. तो सबसे पहले हम कैनवस को प्राइम करेंगे, ठीक है. तो प्राइम करने के लिए मेरे को एक टूल है, वो लेकर आना है, जो कि मुझे मिलेगा हार्डवेयर शॉप पे. मेरे पास यहाँ पे मैंने ढूंढा है, नहीं है, तो एक बार हार्डवेयर शॉप चलते हैं. पहले हार्डवेयर की दुकान. ओके, तो ये है वो चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था. जो ये मैं पत्ती लेकर आया हूँ, इसको हम बोलते हैं पुट्टी करने वाली पत्ती, ठीक है. मैं इसका एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता है. हम हार्डवेयर की शॉप पर जाओगे, आप बोलोगे पुट्टी करने वाली पत्ती दे दो, तो आपको ये दे देगा, ठीक है. तो बात ये है, कैनवस लेना है, ठीक है. ये मेरा कैनवस है. ओके, लोग ये पूछते हैं सर कौन सा कैनवस अच्छा होता है, कौन से ब्रांड का कैनवस अच्छा होता है. तो देखो, यहाँ पे जो मैंने कैनवस ले रखा ना, इसमें कोई ब्रांड मेंशन नहीं होता है, ठीक है. कोई बहुत अच्छे ब्रांड से, जैसे रॉय फाइन आर्ट का कैनवस होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज के ब्रांड के कैनवस हैं. लेकिन जब मैं ऑनेस्टली जब मैं किसी से पूछता हूँ कि ये जो ब्रांडिंग है ये सब क्या है, तो लोग यही बोलते हैं कि यार कैनवस सारे ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं. जो फैब्रिक होता है ना, उसका फ़र्क होता है. और ये जो कैनवस है ना, कई तरीके के फैब्रिक में आते हैं. कुछ मोटे कैनवस होते हैं, कुछ बहुत फाइन होता है, कुछ बिल्कुल ही फाइन होता है. जैसे ये जो है ना, ये मीडियम ग्रेन है. ये जो मैं कैनवस यूज़ करता हूँ, ये मीडियम ग्रेन का कैनवस होता है. इसमें हल्के हल्के से छोटे छोटे दाने होते हैं. तो जब मैं एक्रेलिक करता हूँ, तो मैं इस पर कोई जैसो और कोई प्रिपरेशन नहीं करता हूँ. मैं डायरेक्ट इसी पे लगा के काम करता हूँ. उस पर जो टेक्सचर्स आते हैं, कुछ जो फील है ना, वो अलग आता है, रफनेस वाला, ठीक है. तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर लेता हूँ. बट क्या है, मैं ऑयल पेंटिंग करने वाला हूँ और ऑयल पेंटिंग मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करूँगा सिखाना यूट्यूब पे भी. तो आज मैं उसका कहीं ना कहीं एक प्रिपरेशन की वीडियो बना रहा हूँ ये, ठीक है. तो इस पर हम क्या है, एक जैसो अप्लाई करते हैं. जैसो अप्लाई करने के बाद में जो हमारा कैनवस होता है, बहुत फिनिश और फाइन हो जाता है. फाइन मतलब बहुत, जैसे पेपर होता ना, पेपर उस पर हम एक लाइन खींचते हैं तो कितनी स्मूथली चलती है, कुछ इस तरीके का जो कैनवस है ये हो जाता है. तो सबसे पहले हम जैसो अप्लाई करेंगे. ये जैसो है, तो दो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ इसके अंदर. एक तो आपको वाटर ऐड नहीं करना है. जब मैं नादान था मुझे नहीं पता था, मैंने जैसो के अंदर वाटर ऐड कर दिया था और बहुत थोड़ा थोड़ा सा लगाता था ताकि जल्दी ना ख़त्म हो जाए. हाल फिलहाल में मुझे पता लगा है कि इसके अंदर पानी ऐड नहीं करते, वरना ख़राब हो जाता है ये, ठीक है. मैंने जैसो का डब्बा खोल लिया है, ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है. तो मुझे ना अपने इस वाले स्ट्रेचर को स्ट्रेच करना है ये कैनवस पर. इस पर ऑलरेडी कैनवस स्ट्रेच हो रखा है, लेकिन मैं ऊपर से भी लगा देता हूँ, ठीक है. तो इसको मैं कट करूँगा पहले. तो यहाँ देखो, मैंने अपने कैनवस जो है बिछा लिया स्ट्रेचर. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ना साइड में मैं स्पेस छोड़ता हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और जब कट करूँगा तो यहाँ पर भी. तो ये जो स्पेस है ना, ये ऑलमोस्ट आपका लगा लो 3 इंच तो होना ही चाहिए, 2 इंच, 2.5 इंच या फिर 3 इंच, ठीक है. मैक्सिमम 3 इंच आप रख सकते हो, क्योंकि इसको मुड़ना भी होता है. तो हर तरफ से मुड़ेगा तो आपको हर तरफ से स्पेस जो है छोड़ना पड़ेगा. बस वो कट कर लिया है, देखो साइड साइड में कितना स्पेस छूटा हुआ है. तो इसके बाद क्या करना है, आपने देखा कि मैंने कितना कैनवस स्ट्रेच जो है वो उसको काटा स्ट्रेच करने के लिए. इसके बाद क्या करना है, आपने जैसो अप्लाई करना है, ठीक है. और मैंने बताया ना, जो ये पत्ती है ये इसीलिए लाया था मैं, ताकि जो स्मूदनेस है वो अच्छे से आए, ठीक है. अगर हम स्ट्रेच करने के बाद में इस पत्ती से करेंगे ना, जैसो अप्लाई करेंगे, तो उसमें लाइन्स क्रिएट हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होती है. ओके, तो यहाँ देखो, जितना भी एक्स्ट्रा अगर आता है जैसो, तो आप उसको दोबारा से डिब्बे में डाल सकते हो, ठीक है ना. तो समझने के लिए ना, आप ये देखो, यहाँ पर जो ग्रेन्स दिख रहे हैं ना, ये ग्रेन्स ऑयल कलर में जब इसके ऊपर काम होता है ना, तो ये कहीं ना कहीं ऑयल को और कलर को दोनों को पी जाता है, ठीक है. अब आप इसकी सरफेस देखो, ये जो मैंने अभी जैसो किया है, ठीक है, इससे क्या है, छेद जो है ना भर जाते हैं ये. अगर मैं जैसो और अप्लाई करूँ, इस पर एक और कोटिंग लगा दूँ, तो और स्मूद हो जाएगा ये, ठीक है. वो आपकी अपनी नीड है कि आपको कितना स्मूद करना है इसको. तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब मैंने कभी कॉलेज में नहीं सीखा है, ठीक है. ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, कभी कॉलेज में नहीं सीखा है. और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कि अगर आपको ऑयल कलर करना है, तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना कैनवस किस तरीके से प्रिपेयर करना है. क्योंकि हम देखते हैं, जब हम कैनवस पे काम करते हैं, डायरेक्ट हम ऑयल के साथ में जब काम करते हैं ना, तो कभी कभी ऑयल पी जाता है, कभी कभी अलग से कुछ पैचेस आते हैं, सूखता नहीं है कलर ढंग से, ब्रश स्मूथ नहीं चलता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं. तो जैसो अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी मैं इसको थोड़ा सूखने का टाइम दूंगा, उसके बाद फिर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा. तो अभी हमारा जो कैनवस है वो जो है सूख चुका है, देखो ये सूख गया, कितना प्लेन, बहुत प्लेन सरफेस बन गया, देखो ये. तो जब आपका कैनवस अच्छी तरीके से सूख जाएगा, तो आपको क्या करना है, कैनवस को उल्टा करके रखना है, ठीक है, दूसरी साइड से रखना है.
और एक एक करके स्टेपल को यहाँ पे पिंच करना है। ये जो है ना, ये जो सामान है सारा आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, इसको हम स्टेपल गन बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं प्लायर। ये बेसिकली कैनवस को खींचने के काम आता है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर किस तरीके से खींच के और फिर जो है उसको अप्लाई कर रहा हूँ पिन को। ऐसे जो दोनों कोने हैं उसको देख लो मैं किस तरीके से मोड़ के फिर यहाँ पर जो है स्टेपल कर रहा हूँ, और अच्छे से खींचना है ताकि जो आपका कैनवस है ना बिल्कुल टाइट चढ़े स्ट्रेचर के ऊपर। ढीला रहेगा तो फिर वो मज़ा नहीं आता है काम करने में। बस यहाँ पर दोनों तरफ चारों तरफ जो है पिन लगा दो आप, उसके बाद आपको जो कैनवस है रेडी हो जाता है। आज की वीडियो ना मुझे ज़मीन पे बैठ के बनानी पड़ गई है। कोई नहीं, हम तो ऐसे भी ज़मीन से जुड़े यार, ये सारे काम ना अभी आजकल के चोंचल हो गए मेरे कुर्सी उर्सी के। पहले मैं सारे काम ऐसे ही करता था, ज़मीन पर बैठ के पेंट भी करता था, तब फिर मैं ना बैक पेन होने लग गया, फिर मेरे को चेयर की ज़रूरत पड़ने लगी। देखो ये हमारा कैनवस जो है कुछ ऐसा रेडी हो चुका है। तो इसमें मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कैनवस को बिना इस तरह के प्राइम किए हुए आप काम नहीं कर सकते हो, काम तब भी आप कर सकते हो, उससे भी कैनवस में एक अलग ही इफेक्ट आता है। जैसे आप मेरी जितनी पेंटिंग देखते हो ना एक्रेलिक वाली, इसमें मैं कभी जैसे हुए यूज़ नहीं करता हूँ, जैसे मैंने सिर्फ ऑयल के लिए यूज़ करा है। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर नहीं मिला है ठीक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और आती रहेंगी और लर्निंग मिलती रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।